हुबली हिंसा में पुलिस ने 12 केस दर्ज किए हैं। 146 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट लोगों में हुबली हिंसा के 5 मास्टरमाइंड भी हैं। ओवैसी की पार्टी के भी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पार्षद से लेकर AIMIM के हुबली नगर अध्यक्ष हिंसा मामले में गिरफ्तार है। इन सभी पर हिंसा भड़काने, भीड़ जुटाने, लोगों को उकसाने का आरोप है। फिर भी ओवैसी चुप है, खामोश है, एकदम से हुबली हिंसा पर खामोश है और हैदराबाद में जुल्म की बात करके फिर से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। दो से 3,000 की भीड़ और जुबां पर उन्मादी नारे, एक बार फिर सुनिए इन नारों को। इसके बाद आपको बताएंगे इस उपद्रवी भीड़ के पीछे कौन था, इसका मास्टरमाइंड कौन था। ये हुबली की 16 अप्रैल की रात की तस्वीर है जो कई सवाल खड़े करती है। क्या पुलिस स्टेशन की घेराबंदी करके इंसाफ मिलेगा? पुलिस कर्मियों से मारपीट, बात इंसाफ की। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़, गुहार इंसाफ की। सर तन से जुदा करने का तालिबानी, इंसाफ की मांग। दावा किया जा रहा है कि 16 अप्रैल को सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक विवादित पोस्ट डाला गया जिस पर कुछ लोग हिंसक हो गए। पुलिस ने उसी दिन आरोपी लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। खुद सुनिए हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर लाबू राम क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस पे एक लड़के ने कुछ वीडियो अपलोड किया था, उसके संबंध में कंप्लेंट के आधार पे केस रजिस्टर हुआ। पुलिस ने जो कानूनी रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो सारी की। कुछ लोग पुलिस स्टेशन आए थे शाम को, उनको इत्तला दी गई कि पुलिस द्वारा इसमें जो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो चुकी है, आप कृपया चले जाइए। उनको पूरा डिटेल में समझाया गया। इनिशियली लोग चले गए, पुलिस ने लोगों को समझाया, उसके बाद लोग चले भी गए, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन को 3,000 से 4,000 लोगों ने घेर लिया और आरोपी लड़के को सजा देने की मांग करने लगे। पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेरे लोग तालिबानी सजा की मांग कर रहे थे। खुद सुनिए पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। बाद में कुछ लोग और इकट्ठा हुए, तब भी लोगों को वहां जो SHO थे उन्होंने पूरा इस केस के संबंध में पुलिस के द्वारा जो एक्शन लेना चाहिए वो सब बताया गया, लेकिन वो लोग पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और जाने के मूड में नहीं थे। उस दौरान कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए, पुलिस अधिकारी वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने और वहाँ जो कम्युनिटी लीडर्स थे उनको भी बताया कि आप लड़कों को बताइए कि पुलिस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, आप जाइए, यहाँ रात को इकट्ठा मत होइए। वो पुलिस की या किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। फिर कुछ समय पश्चात हमें लगा कि वो फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी उनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने फोर्स यूज़ करके उनको वहाँ से डिस्पर्स किया। ये लोग कौन थे जो तालिबान इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे? पुलिस स्टेशन पहुंचे थे इंसाफ मांगने, लेकिन पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस के 12 जवानों को घायल कर दिया। सात पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला और अब पुलिस ने ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 केस दर्ज किए हैं और 146 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार हुए लोगों में 5 ऐसे भी हैं जिन्हें हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस पर सोने के बाद में उन लोगों ने वहां से पत्थरबाजी शुरू की, उसमें हमारे 12 पुलिस अधिकारी कर्मी घायल हुए।
7 पुलिस की गाड़ियां डैमेज हुई है। इस सिलसिले में हमने और उसके अलावा कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है। इसके संबंध में हमने अब तक 12 केस दर्ज किए हैं और इन केसेस के संबंध में अब तक कुल 146 जो एक्यूज थे उनको हमने अरेस्ट भी किया है। पुलिस उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है, कमिश्नर की बातें सुनी आपने। अब आपको एक चश्मदीद से भी मिलवाते हैं जो 16 अप्रैल की उस रात को पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद था और उपद्रवियों को समझा रहा था। उनका नाम अल्ताफ हल्लूर है जो हुबली जिला के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्हीं से सुनिए उस रात क्या हुआ था। नहीं, मैं वहाँ पर तकरीबन 10:15 या 10:30 को वहाँ पर पहुँचा। मैं देखा एक अजीब सा माहौल लगा मुझे, इतनी भीड़ है। पहले एक साथ कभी मैं पुलिस स्टेशन के सामने नहीं देखा था हुबली में। वहाँ पर जब मैं जाकर देखा तो भीड़ बेकाबू में थी। पुलिस फोर्स वहाँ पर कम थी क्योंकि उस दिन हनुमान जयंती थी। लोग अपने अपने पुलिस दूसरे दूसरे हलके में बढ़ चुकी थी। वो लोग पुलिस स्टेशन अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो हमारी आवाज़ उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैं बगल में एक कंपाउंड है, कंपाउंड के ऊपर चढ़कर उनसे एड्रेस करने की बात करने की कोशिश की तो जब भी नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुबली की पूरी पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर जमा होना शुरू किया। हम लोगों को बता रहे थे कि जो शख्स पैगंबर के शान में गुस्ताखी किया उस शख्स को पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट की है, उसके ऊपर FIR भी बन रही है। आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। हम बार बार अपील किए उनको, मैं और दूसरे लीडर हो, हमारे दूसरे अंजुमन के मेंबर्स भी वहाँ पर आए थे, अपील करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, किसी की मान नहीं रहे थे। अल्ताफ हल्लूर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थे और उपद्रवियों को समझा भी रहे थे और पुलिस स्टेशन के बाहर जो नारे लग रहे थे उसको भी अल्ताफ हल्लूर ने सुना और नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। के बाहर लोगों को उकसाने का मामला इरफान नलवतवार AIMIM पार्षद हुसैन बी के पति, आरोप लोगों को उकसाना, भीड़ को पुलिस स्टेशन के बाहर जमा करना और आरोपी लड़के को भीड़ को सौंपने की मांग करना। दादा पीर बेटी घेरी AIMIM के हुबली शहर अध्यक्ष, आरोप भीड़ को पुलिस स्टेशन के बाहर जमा करने का निर्देश देना। थाने के बाहर लोगों को उकसाने का मामला वासिम पठान, खुद को स्वयंभू मौलाना बताता है, आरोप लोगों को पुलिस स्टेशन में जमा करना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पिछले कुछ महीनों में हुई अलग अलग घटनाओं पर करारा जवाब देने के लिए लोगों को उकसाना। मस्जिद में प्रेयर के बाद लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर जमा करने में अहम भूमिका है। न्यूज के जरिए या अखबार के जरिए, कुछ पुलिस के जरिए मालूम पड़ रहा है कि MIM के कुछ लोगों ने एक ग्रुप मैसेज किया था। हुबली में थाने का घेराव हुआ, सर तन से जुदा कर देने वाला तालिबानी नारे लगाए गए, हिंसा में नाम AIMIM का आ रहा है। AIMIM से जुड़े 4 मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हैदराबाद में आखिरी जुमे की नमाज से पहले बैरिस्टर ओवैसी कैमरे पर आए, 1 घंटे से ज्यादा बोले, शुरुआत में इस्लाम पर बात की, धार्मिक सुधार पर तकरीर दी मगर स्पीच खत्म होते होते सीधे एजेंडे पर आ गए। जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, डरना नहीं है, हम ही गालिब होंगे अगर हम मोमिन हैं। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो स्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे। ओवैसी किसे समझा रहे थे और क्या समझा रहे थे वो तो वही जाने, लेकिन उनके भड़काऊ बयान से कई बार नफरती तस्वीरें खिंच जाती हैं। और हैदराबाद में भी बैरिस्टर साहब नाम इस्लाम का ले रहे थे, बात मुकाबले की कर रहे थे। मुझसे कहते हैं कि इस्लाम छोड़ देने से तेरी जान बच सकती है लेकिन दीन छोड़ने से मर जाना बेहतर है। तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे इस्लाम को? तुम छोड़ोगे दीन को? कि अगर कोई तुमको जालिम मारेगा बेजा तुम छोड़ोगे? हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे,
से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। जुमा की आखिरी नमाज से पहले ओवैसी ने खरगोन का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, जहांगीरपुरी का जिक्र किया, लेकिन हुबली का जिक्र एक बार भी नहीं किया, जहां से उनकी पार्टी के चार नेता हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार इस हिंसा पर सख्त है। हुबली रायट्स, इट सीम्स दैट देयर इज अ कंस्पिरेसी बिहाइंड इट, एंड इवन दो द पुलिस हैड टेकन एक्शन, लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन एंड thrown stones at police and lot of police were also injured. They have taken law into their hands. So now police are taking strict action. Police की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, हुबली हिंसा में AIMIM के कुछ और सदस्यों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।